आवाम उल्लास ने भी अपना ही कानून बनाया हुआ है। पुलिस कोई काम नहीं करती तो क्या आवाम बाबा जी का ठुल्लू करती है? ये फुटपाथ है नाजरीन, दुकान इनकी वहाँ तक है, इन्होंने बाहर पूरे फुटपाथ तक निकाली हुई है। अब यहाँ की दुकान का मालिक इन सबसे किराया ले रहा है, शोभा देता है आप? नहीं देता। हर तरफ बदमाशी है, गुंडा राज है, आप कब्जा ग्रुप है? नहीं नहीं, कब्जा ग्रुप नहीं है। क्यों कर रहे हैं? बात मान गया यार वर्दी के अंदर, बगैर वर्दी के गुंडे नहीं मानते। मेरा नाम यासर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाजरीन, पूरे मुल्क में अवाम उल्लास ने भी अपना ही कानून बनाया हुआ है। हम इदारों को कितनी बातें करते हैं कि इदारे कोई काम नहीं करते, पुलिस कोई काम नहीं करती, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती, अस्पताल कोई काम नहीं करते, वापडा कोई काम नहीं करती, तो क्या आवाम बाबा जी का ठुल्लू करती है? आए मैं दिखाऊँ आवाम क्या करती है। आए इधर ये देखें, ये फुटपाथ से ही आवाम ने नीचे उतार दी है मोटरसाइकिल। बड़ी गल है, फुटपाथ ही ला लीजिए। और ये फुटपाथ के ऊपर गुजरगाह है, ये देखें, ये भी अपनी मर्जी से बैठा हुआ है, ये भी अपनी मर्जी से बैठा हुआ है, ये भी अपनी मर्जी से बैठा हुआ है। उन्होंने कहा साड़ा ही अपनी जगह है, अभी जो मर्जी करिए, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। मैंने बताया कि अवाम भी बाबा जी का ठुल्लू करती है, दुकान इनकी वहां तक है, इन्होंने बाहर पूरे फुटपाथ तक निकाली हुई है। ये देखें बाबा जी, कुछ थोड़ी और कट लेनी सी बाहर। मालका ने कटनी, वो कहने असी मुलाजम हाँ, मालका ने कटनी। ये देखें दुकान वो है और निकाली कहाँ तक हुई है। ये देखें ये दीवार को भी दुकान बना दी है। ये देखें बेटा, कोई और भी चार पांच चीजें ला देनी सर। क्या ये ठीक है? लगा देंगे, कुछ थोड़ा सा और बनाए ताकि लोगों का रास्ता ही बंद हो जाए, गला घुट जाए लोगों का। पता ना आपको ये फुटपाथ है? हाँ जी पता है। तो कोई ख्याल नहीं आ रहा आपको? कोई ख्याल नहीं आ रहा भाई। किराया देते हैं हम यहाँ पे? किस चीज का किराया देते हैं? इसका, इस चीज का। यहाँ किसको देते हैं किराया? ये दुकान के मालिक हैं जो। ये दुकान थोड़ी है, ये तो फुटपाथ है। कौन सा दुकानदार है मालिक आपका? किराया मालिक है, उनको हम किराया देते हैं। कौन सा मालिक है दिखाएं मुझे? इधर नहीं है। अब यहाँ की दुकान का मालिक इन सबसे किराया ले रहा है, अपनी दुकान का किराया तो दे रहा होगा या खरीदी होगी। अब वो ये सामने फट्टे लगाने के भी पैसे ले रहे हैं, और जगह कौन सी है? गवर्नमेंट की, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसकी मालिक है। ये देखें, ये भी किराए के ऊपर चढ़ी हुई है, आप अंदाजा करें, ये भी किराए के ऊपर चढ़ी हुई है। भैयान भैयान सलामकुम, थोड़ी दुकान बाहर हो लैनी सी भैन, इन्नी घट जगह घेरी जे है, लोग फिर लंघ जाते ने नीवी नीवी होके, जीना पूरा नाम क्यों नहीं करते लोगों का? हैं जी, अच्छा लग रहा है तुम्हें नजायज करके? मुनासिब लग रहा है जी भैया, ये अच्छा लग रहा है आपको कि अपनी दुकान से आपने 20 फुट बाई निकाली हुई है? नहीं, माल आया है, देखो अंदर पहचाना लगे। ये माल यहाँ तक अंदर आया हुआ है? ये आपकी दुकान है? हाँ जी। तो ये दुकान के अंदर लेके जाए ना, बाहर क्यों लगाया हुआ है? सर ले जाएंगे। अच्छा लग रहा है? ठीक है। नहीं, ये आपको अच्छा लग रहा है? जेब देते है क्या? क्यों करते हैं? ले जाते हैं सर। क्यों करते हैं? कह दिया ना आपको, गया बस। ये मुझे ये बताएं, ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? नहीं करेंगे, पहले तो कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। उठाएं मेरे सामने, चले उठा रहे हैं, चले आए उठाते हैं। अच्छा, आए उठाएं। बच्चा आने वाला है, मेरे से नहीं उठाया जाएगा, अभी उठा लेंगे आपको। शोभा देता है आपको? नहीं देता, उठा लेंगे कह दिया ना सर। आप, मैं आपके घर की देवड़ी के अंदर कब्जा कर लूं, उसका मुझे मार नहीं देंगे? नहीं नहीं, पता है मुझे। तो ये मेरे मुल्क की देवड़ी है जिसके ऊपर आपने कब्जा कर लिया? ठीक हो जाएगा सर। नहीं बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे बात। हर तरफ बदमाशी है, गुंडा राज है। ये देखे नाजरीन, ये गुंडा राज, ये किराया देता है इनको, ये इनको किराया देता है। और ये देखें अपनी दुकान से कितनी बाहर उन्होंने दुकान लाए हुए हैं। बेटा क्यों भाई लेके आए हुए? दुकान तो आपकी वो है। ये हमारी दुकान है। ये आपकी दुकान नहीं है, तो थड़ा है, ये तो वो है, फुटपाथ है। क्यों किया हुआ है बेटा? ये तो अच्छा नहीं है ना, उसके पास जवाब नहीं है। आप दुकानदार है? आप हैं। दुकान आपकी वो है? हाँ जी। 10 फुट अंदर बाहर तक आपने अड्डा लगाया हुआ है, यहाँ पे भी कब्जा किया हुआ है। अच्छा, तो इधर कौन सी कोई ट्रैफिक? आप कब्जा ग्रुप है? नहीं नहीं, कब्जा ग्रुप नहीं है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपको जेब देते हैं, मार रहे हैं बच्चों की और क्या कर रहे हैं? रोजी रोटी किसी के हक के ऊपर डाका मार के किसके हक पे? दुकान आपकी वो है, आपने यहाँ भी फट्टा लगाया हुआ इतना बड़ा 15 फुट का, यहाँ भी लगाया हुआ। ये तो ऐसे ही चलते बाजारों में, सब बाजारों में ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? उठाइए यहाँ से,
ठीक है, मैं आप मेरे घर के अंदर अगर टेबड़ी में कब्जा कर लेंगे तो मैं आपको माफ करूंगा? नहीं करोगे बिल्कुल। मैं आपके घर की टेबड़ी पे कब्जा करूंगा, मुझे बख्शेंगे तो फिर ये मेरा घर है, ये पाकिस्तान मेरा है, आपका है, आप इसके ऊपर काबज हो गए हैं। अच्छा, कोई कानून है? कानून बनाए ना, फिर कानून तो बनाए। नहीं बाध आएंगे, नहीं बाध आएंगे, क्या कहूँ, इनके चेहरे देखें, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, आप ही नहीं बाध आ रहे। आपको देख रहा हूँ सीधा। ये आपकी दुकान है? किसकी है? दुकान ही छोड़ के साइड पे हो गए, दुकान ही छोड़ के साइड पे हो गए। आए ये देखे नाजिन, ये फुटपाथ है, ये ऊपर देखे मेट्रो स्टेशन है, ये देखे सब गायब, सब गायब, सब गायब। ये देखे नाजरीन, ये मेट्रो स्टेशन का ये वो लिफ्टर है, ये देखे जरा अंदाजा करें। भैया आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, आप हमारा वकार हैं, आप नेक्स्ट टाइम कभी मोटरसाइकिल ऊपर ना खड़ी कीजिएगा ताकि कोई शख्स हमें बात ना कर सके। ओके सर, थैंक यू सर। ये बात मान गया यार वर्दी के अंदर, और ये बगैर वर्दी के गुंडे नहीं मानते, ये गुंडे हैं, चापलूस, मक्कार। तुम लोगों को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, कर लो जो मेरा करना है।